तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं BHU पाठशाला, और BHU पाठशाला एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और मैं टाइम लैप्स नहीं करूंगा क्योंकि मैं इंट्रो ऑलरेडी बहुत बार वीडियोज़ में देता रहता हूं। और जो ये प्लेस है, ये है IRDM। यहां पे IRDM क्लास चलती है, और मेरे पीछे जस्ट BHU की कैंटीन है, काफ़ी फेमस है मधुबन। और आज जो अभी पेपर इस इवनिंग शिफ्ट में हो रहा है, इवन बस 2 मिनट बच्चे बाहर निकलने वाले हैं, वो है BSc एग्रीकल्चर का। मैं थोड़ा सा एक बार इसका आपको ब्रीफ इंट्रो देने वाला हूं, सॉरी शॉर्ट इंट्रो देने वाला हूं, क्योंकि ये अभी तक का, पिछली बार भी इस बार भी, अपने लेवल को बरकरार रखा है। क्योंकि ये सबसे ज़्यादा फॉर्म भरा जाने वाला कोर्स है, और सबसे ज़्यादा इसमें कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं इसके मेन कैंपस में जो सीट है उसमें गर्ल्स और बॉयज़ का अगर मैं दावेदारी एक सीट पर मानूँ, तो 472, ये किसी भी कंपटीशन के लिए मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा BHU एंट्रेंस में सबसे ज़्यादा कंपटीशन वाला कोर्स होने वाला है। ऐसे में अगर आप सेलेक्ट होकर आते हो, तो मैं समझता हूँ भाई आप 100% बहुत ब्रिलियंट हो, क्योंकि आप अगर एक सीट भी इसमें अचीव करते हो तो सच में बहुत बड़े ब्रिलियंट हो। अभी बच्चे निकलेंगे, देखेंगे कि उन्होंने कितना अपने आप को आजमाया है और पेपर ने उनको कितना आजमाया है, दोनों ही बातें निकल के आएंगी। तो बहुत जल्द, बस चंद मिनटों में बच्चे बाहर आने वाले हैं, और हम लोग उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ पूछ के आपकी पूरी क्वेरीज को सॉल्व करने वाले हैं। ओके गाइज, मिलिए नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अभी हम लोग कुछ बातें करेंगे कुछ बच्चों से। दोस्तों, बच्चे आने लगे हैं, और अभी हम लोग जस्ट इंक्वायरीज करेंगे कि पेपर इन लोग का कैसा रहा। और भाई देखिए, क्या फ्रेंड्स आप लोग बोलना चाहोगे पेपर के बारे में, कैसा रहा पेपर? अच्छा, इवनिंग का टाइमिंग है भाई, सब लोग को थोड़ा सा घर भी जाना है, मैनेज करना है, जस्ट वेटिंग फॉर सम स्टूडेंट्स। सबसे पहले आपका नाम क्या है? सौरभ पटेल। सर, आउट बोलिएगा। सौरभ पटेल कहाँ से बिलोंग करते हैं? लोहता से बिलोंग करते हैं, NCC कैडेट भी लग रहे हैं, बाकी पूरे यूनिफॉर्म में आए हुए हैं। अच्छा, आपका पेपर कैसा गया? पेपर मैं चाहूँ, मतलब आपका बैटरी थोड़ा सा डाउन दिख रहा है, ऐसा क्या बात है? ऐसा कोई बात नहीं है। कैसा रहा पेपर? पेपर अच्छा। अच्छा, आप मतलब कितना स्कोर कर लो, कुछ ऐसा आइडिया? इसके बारे में इनको आइडिया नहीं है। अच्छा, पेपर अच्छा, ज़्यादा हार्ड नहीं था। ओके डन, ओके तो आते, थैंक यू हम लोग ऑर्डर का। ओके डन, आपका नाम क्या है? ओके, कहाँ से बिलोंग करते हो? अच्छा, बनारस की। ओके डन, आपका पेपर कैसा रहा? अच्छा, पेपर के बारे में क्या बोलोगे? पेपर हार्ड था, ईजी था, और मॉडरेट था? ओके डन, मतलब आप बायो से थे, इनको बायो का आइडिया है, बाकी मेंटल एबिलिटी कैसा था? मेंटल एबिलिटी ओके डन। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। BHU पाठशाला चैनल है, आंसर किए भी आ जाएगा, आप चेक कीजिए। सबसे पहले तो अपना नाम बताइएगा आप, और थोड़ा सा लाउड बोलिएगा। आयुष सिंह से बात हो रही है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? वाओ, वेल डन, बगल का ही डिस्ट्रिक्ट है सोनभद्र, और काफ़ी बड़ा डिस्ट्रिक्ट भी है। अच्छा, आपका पेपर कैसा रहा? पेपर बहुत अच्छा आया था, चलिए कम से कम पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है भाई। अच्छा, आप किस सेक्शन को चूज कर रहे थे ऑप्शनल में? बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के लिए क्या आप, अगर आपको 10 में मार्क्स देना रहे तो कितना मार्क्स दोगे? क्वेश्चन कैसा है? 8 मार्क्स देंगे, मतलब कहीं ना कहीं पेपर को समझने के अच्छे से बनाया गया था। अच्छा, मेंटल एबिलिटी सेक्शन कैसा था? मेंटल एबिलिटी सेक्शन सर मतलब ज़्यादा टफ नहीं था, ज़्यादा इजी था, मीडियम था। अच्छा, आप कितना क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन थे, कितना अटेंड किए? 85 क्वेश्चन आप अटेंड किए। और इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ, BHU पाठशाला एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आप एक बार विजिट कीजिएगा, आंसर की अभी 1-2 घंटे में वहाँ पर हम लोग अपलोड कर देंगे, और फिर आप कोई प्रॉब्लम होता है ना कमेंट करके आप पूछ सकते हो। ओके, आप लोगों में जो पेपर के बारे में कुछ बोला, कौशल कुमार झा से हमारी बात हो रही है। कौशल कुमार झा जी, आप कहाँ से बिलोंग करते हो? बिहार से, काफ़ी दूर से आए भाई, देख लीजिए, बिहार से ये बनारस में पेपर देने आए हैं, काफ़ी स्ट्रगलिंग रहा होगा इनके लिए। अच्छा, पेपर कैसा गया आपका? पेपर अच्छा गया, मैथ लेंथी। अच्छा, मैथ आपने मैथ ऑप्शनल चूज़ किया था, मैथ इनके लिए लेंथी था, बाकी मेंटल एबिलिटी और केमिस्ट्री कैसा रहा? एकदम ईजी था। और कितना क्वेश्चन आप अटेंड कर रहे हो? 90 प्लस। ओके, वेल डन, बहुत बहुत धन्यवाद। BHU पाठशाला चैनल है, आप उस पर विजिट कीजिएगा, आंसर के भी 2 घंटे में अपलोड हो जाएगा। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, आइए कुछ लोगों से और बात करते हैं। ऐसे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्या नाम है आपको? आशीष है।
आशीष, कहाँ से बिलोंग करते हो आशीष भाई? ओके वेल डन। और आशीष पेपर कैसा गया? पेपर बहुत अच्छा गया। अच्छा एक बार अपने पेपर का बताओ कि क्या नाम है, किस सब्जेक्ट का पेपर था आपका? बीएससी एग्रीकल्चर। ओके वेल डन। और आपने किस सेक्शन को चूज किया था, उसमें ऑप्शनल भी रहा होगा? ऑप्शनल में एग्रीकल्चर। अच्छा एग्रीकल्चर आपको कैसा सेक्शन लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा। कितना लगभग आपको क्या लगता है कि आप पेपर जो इजी था हार्ड था? आप पेपर सही था। पेपर सही था। अच्छा प्रीवियस पेपर आप सॉल्व किए थे, उससे क्वेश्चंस फंस रहे हैं या नहीं फंस रहे हैं? उसे फंस रहा है। ओके वेल डन। तो बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल पे बने रहिए, बाकी आंसर की हम लोग अपलोड करेंगे, आप वहाँ से मैच कर लीजिएगा। ठीक है, तो गाइज देखिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा, अब क्योंकि मैं समझता हूँ बीएचयू पाठशाला के इस ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद अब हम लोग सीधे आर्ट्स और बीए कॉमन पेपर वाले में ही ग्राउंड रिपोर्टिंग में मिलेंगे, तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। प्रीवियस ईयर पेपर्स का वेटेज बार बार लोग आप कन्फ्यूजन रखते हो, आएगा कि नहीं आएगा। भाई सॉल्व करने में क्या जा रहा है, फ्री की चीज़ है। अगर 30% क्वेश्चंस, या मैं समझता हूँ 10 क्वेश्चन भी अगर फंसता है तो कहीं ना कहीं बेनिफिशियल है। तो सभी लोग से रिक्वेस्ट है जिनका पेपर अभी होने वाला है, वो अपने कोर्स के अकॉर्डिंग 10 के पेपर सॉल्व कर लें। बाकी चैनल पे बने रहे हैं, अभी काउंसलिंग वेन्यू पे हम आपका पूरा बीएचयू पाठशाला का टीम बहुत हेल्प करने वाला है। और प्लीज़ आप इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और क्योंकि मैं समझता हूँ कि आज हम लोग ने काफ़ी बैक टू बैक वीडियोज़ दिए हैं, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया, इसके लिए आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।